भारतीय टीम की जीत से खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे एक दिवसीय मुकाबले में हार के बाद रो पड़े डेविड मिलर जी। हां दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा एक दिवसीय मुकाबला कुछ अलग ही अंदाज से खेला गया और यह मुकाबला इतना ज्यादा रोमांचक था कि इसको इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। तो आखिर वही डेविड मिलर ने हार के बाद ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को लेकर इमोशनल बयान जारी किया। आखिरकार डेविड मिलर ने हार के बाद क्या बयान जारी किया, जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर में से किस खिलाड़ी के दम पर भारत को मुकाबला जीता है? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला महेंद्र सिंह धोनी के घरेलू रोमांच मैदान रांची में खेला गया। जी हाँ दोस्तों, इस महामुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान शिखर धवन के पक्ष में सिक्का तो नहीं गिरा, लेकिन मुकाबला भारतीय टीम के नाम रहा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज ने करिश्माई गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट लेकर विरोधी टीम को 278 रन 7 विकेट के नुकसान पर रोक दिया। जहां विरोधी टीम की तरफ से हेंड्रिक्स ने 74 और मार्करम ने 76 रन की पारी खेली, लेकिन 279 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए जब भारतीय टीम उतरी तो भारतीय टीम की तरफ से 2 विकेट जल्दी गिर गए। लेकिन जिस अंदाज में श्रेयस अय्यर और ईशान किशन ने पारी को संभाल लिया, उसे देख ये कहना गलत नहीं था कि भारतीय टीम को जीत दिलाने में इन दोनों बल्लेबाजों का महत्वपूर्ण योगदान है। जी हाँ दोस्तों, ईशान किशन ने 93 रन की पारी खेली लेकिन शतक लगाने से वो चूक गए, परंतु दूसरी तरफ से श्रेयस अय्यर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना शतक पूरा किया और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ये उनका दूसरा शतक था और भारतीय टीम इस मुकाबले को आराम से जीत गई। लेकिन हार के बाद डेविड मिलर इमोशनल हो गए और हार के बाद एक सनसनीखेज बयान जारी किया। दोस्तों साउथ अफ्रीका के विस्फोटक बल्लेबाज डेविड मिलर ने हार के बाद बयान देते हुए कहा है कि हमारी टीम ने वास्तव में बेहतर प्रदर्शन किया, हालांकि हम थोड़ा और बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे, लेकिन भारतीय टीम को हमारे ऊपर हावी होने का मौका हमने खुद ने ही दिया है और अगर बल्लेबाजी करते हुए थोड़ा और बड़ा स्कोर हम क्रिएट करते तो शायद आज ये जीत हमारी होती। वही लगातार अपनी टीम में जगह पक्की करने के इरादे से खेलने के लिए उतरते हैं, उनको मौका मिल सकता है। ऐसे में उन खिलाड़ियों को परेशान करना किसी भी गेंदबाज के लिए साधारण काम नहीं है। भारतीय टीम की तरफ से शुरुआती 2 गेंद 2 विकेट गिर जाने के बाद जिस अंदाज से श्रेयस अय्यर और ईशान किशन ने पारी को संभाल कर भारतीय टीम को जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया, उसकी तारीफ करनी चाहिए। हालांकि इस तरीके का प्रदर्शन अगर साउथ अफ्रीका का भी एक भी बल्लेबाज करता तो शायद साउथ अफ्रीका आराम से मुकाबले को जीत सकती थी। साउथ अफ्रीका की टीम में श्रेयस अय्यर की तरह ही एक शतकवीर होना चाहिए था तो दूसरी तरफ एक ऐसा बल्लेबाज होना चाहिए था जो ताबड़तोड़ अंदाज से पारी को आगे ले जाते हुए गेंदबाजों को तहस नहस कर दबाव बनाने का कार्य कर सके, परंतु वास्तव में भारतीय टीम ने काफी ज्यादा शानदार प्रदर्शन किया। अगर भारतीय टीम बेहतर प्रदर्शन नहीं करती तो भारतीय टीम को जीत भी नहीं मिलती। हमें उम्मीद है कि हमें अगले मुकाबले में और भी ज्यादा शानदार प्रदर्शन करेंगे और सीरीज को जीतेंगे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि इस मुकाबले में भारतीय टीम की जीत के असली ही हकदार कौन है? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।